साफ हुई नालियां, अब नहीं होगा जल भराव। समाज सेवी सुमित अग्रवाल की पहल पर चलाया सफाई अभियान। पिछले कई महीनों से नालियों में गंदगी व पानी जमा होने के कारण सोसाइटी में उठ रही दुर्गंध व पनप रहे मच्छरों के कारण संक्रमण की आशंका को देखते हुए व जिले में फैल रहे डेंगू के संक्रमण से बचाव व लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए शहर के पॉश एरिया निर्भया नगर खंदाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत सोसाइटी के निवासियों को हो रही तकलीफ का मुद्दा उठाते हुए सोसाइटी के निवासी समाज सेवी श्री सुमित अग्रवाल द्वारा सराहनीय कदम उठाते हुए नगर निगम अधिकारियों को फोन पर समस्याओं से अवगत कराया। बताया कि सोसाइटी के आसपास नालियों में जमी गंदगी व पानी भराव के कारण यहां संक्रमण की आशंका है। फोन पर शिकायत का संज्ञान लेते तत्काल नगर निगम के एरिया इंस्पेक्टर संजीव यादव ने सफाई कर्मचारियों को भेज व खुद मौके पर पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में सफाई अभियान के तहत सोसाइटी के आसपास करीब आधा दर्जन स्थानों पर सफाई की गई। सोमवार को एरिया इंस्पेक्टर राजीव यादव व ठेकेदार के निर्देशन में सफाई कर्मियों ने इन स्थानों से गंदगी के ढेर उठाए। तथा नालियों की सफाई भी की। सुबह हाईवा व ट्रैक्टर लेकर मौके पर विभिन्न स्थानों पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जगह जगह पड़े गंदगी के ढेरों को एकत्रित किया तथा उसके बाद जेसीबी मशीन के द्वारा ट्रैक्टरों में भरकर बाहर डलवाने के लिए भेज दिया। उसके बाद सफाई कर्मचारियों ने कस्सी व फावड़ों से नालियों में पिछले कई महीनों से जमा गंदगी व कीचड़ को निकाला। समाज सेवी सुमित अग्रवाल ने लोगों को समझाया कि अपने आसपास सफाई बनाए रखे, गंदगी व कूड़े को कूड़ेदान में ही डाले, बाहर सड़कों व नालियों में कूड़ा ना डाले। उन्होंने बताया कि स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करे। सफाई अभियान की शुरुआत अच्छी है, इसे बनाए रखने की जरूरत है तथा नियमित सफाई की जानी चाहिए, साथ साथ नालियों की भी सफाई करवाई जाए, शहर के बाजारों में भी सफाई कराई जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।